क्योंकि कल होली पर पूरे बनारस के सामने शिव तुम्हें मेरे नाम का रंग लगाएगा और पूरे शहर के सामने तुम्हारी इज्जत का तमाशा। और जिसका जिम्मेदार कोई और नहीं, तुम्हारा शिव ही होगा। जब तुम्हारा ओवर कॉन्फिडेंस टूटेगा ना, उसकी आवाज से जो दिल को सुकून मिलेगा ना, शब्दों में बयां भी नहीं कर सकता मैं। जाए। अरे जमाई बाबू, सच्चाई नहीं पूछ में आए। राहुल, इन्हें फव्वारे के नीचे ले जाके बिठा। ठीक है नानी। पापा, पापा, चलो चलो अब शावर में ही करना अपना खत्ता। चलो। अरे क्या कर रहे हो, जाओ वहाँ बैठो। अरे पापा, अरे हम नाचेंगे जरूर, लेकिन अपनी भाभी जी के साथ में, और वो भी ये खुशखबरी सुनाने के बाद, समझे क्या? तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुझे बनाया, तारीफ करूं क्या। पागल आ गए क्या ये? नहीं हो प्यार के काबिल तुम, और हाँ हमें लगती हो तुम वैसी सी लड़की जो बड़े भाई से शादी करने वाली हो और छोटे भाई पे डोरे डाल रही हो। तो क्या बोलूं उस लड़की के बारे में मैं? इनफैक्ट मुझे तुम उससे कई ज्यादा गई गुजरी लगती हो। मेरे पास गलती सुधारने के लिए मौका भी नहीं होगा। हम करके दिखाएंगे। ओके। कि आपकी सारी दुनिया सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। हाँ बस आप हमें खुश करने का मौका दीजिए तो एक बार। घी चाची आप भी ना। समझ गया, पहले वाले से ज्यादा अच्छा मेरे चेकने चाहेंगे। बस हम मौका देते रहिए। सुबह सुबह चिड़चिड़ कर रही है तुम्हारी उस जमाई की वजह से। दिन भर उस चुड़ैल के आगे पीछे मंडराता रहता है वो। अरे अम्मा, देख समझ के शादी नहीं करवा सकती थी क्या? हाँ, पैजामे का ढीला है तुम्हारा वो जमाई। हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी उसने। उस चुड़ैल को हमारी सौतन बनाने पर तुला हुआ है तुम्हारा जमाई। अरे थोड़ा धीरे बोल, चुप फटे बांस की तरह चिल्ला रही है। लेकिन गला तो हमारा फटा बांस हो रहा है, अगर किसी ने सुन लिया ना तो कसम से होली का दहन में जिंदा जला देंगे हम दोनों को। तुम भी ना अम्मा, एक नंबर की डरपोक हो, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। नहीं नहीं नहीं,
ऐसा ख्याल अपने मन में आने भी मत देना। बेटा तुम अपने पापा की बहादुर बेटी हो। बेटा माना कि तुम्हारे पापा इस वक्त तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर पा रहे, मगर तुम्हारे पापा तुम्हें कभी टूटने नहीं देंगे, हर कदम पर तुम्हारे साथ रहेंगे तुम्हारे पापा। बेटा ऐसा कभी मत सोच। या फिर किसी को मारना पड़े। हर्ष, वो तुम्हारी बात इतनी आसानी से मान लेगा? कोई शक? एग्जाम्पल देखना चाहेंगे? एग्जाम्पल देखना चाहेंगी? नहीं। मालूम था, आज के लिए इतना ही काफी होगा। प्यार से पेश आए, तुम्हारा कहना माने। चाहता तो यही है, लेकिन तुम मानती कहाँ हो? ठीक है, तुम बस हमारा एक काम कर दो, मैं तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार है। तुम बोलकर तो देखो, ना करूं तब कहना। हमें आज होलिका दहन करना है। ओके, ठीक है। दूर रहना उसे आज। होलिका ने प्रहलाद को गोद में बिठाया और अग्नि प्रज्वलित कर ली, पर ये तो विधि का विधान था, वो भगवान विष्णु का भक्त था। भक्त देखो, होलिका जल गई जिसे वरदान था कि वो नहीं जलेगी, और प्रहलाद बच गया। इसीलिए भक्ति में बेटा बहुत शक्ति है। और क्या सिखाता है ये? सच्चाई की हमेशा जीत होती है। हम भी होलिका दहन के लिए इतने अच्छे से सजाएंगे चारों तरफ से। जी अम्मा। अच्छा बच्चों? हाँ मड़िया, जैसा कहेंगे वैसे ही सजाएंगे। वो घी का कनस्तर ले क्या? हाँ, होलिका दहन के लिए वो चाहिए होगा। ठीक, ये हटा देना। बेटा वो जरा कैलेंडर देख लो तो। देखो। हाँ अम्मा, कितने बजे का होली पहले लेता है समय है?
रेखा सबको बोल दे कि शाम को 6:26 से लेके 8:52 तक है होलिका दहन का मुहूर्त। अम्मा। हाँ बेटा। प्रसाद की सामग्री। सब सामान तो आ गया, अब बस अच्छे से सब तैयारी कर दो। अरे कितना समय लगेगा? अरे लगा तो रहे हैं। तैयारी होएगी नहीं होलिका दहन की? मुहूर्त निकला जा रहा है। अम्मा जी हो रहा है, हो जाएगा 2 मिनट पर। ये अनन्या किधर है? पता नहीं। पता नहीं? रुको, मैं देख के आता हूँ। अनन्या? कमल, समय क्या हुआ है? 8:30 बज गए। ये भगवान, होलिका दहन का मुहूर्त निकला जा रहा है, कहाँ गई ये लड़की? अनन्या कहाँ चली गई है? आग नहीं बुझी, कुछ कीजिए प्लीज। मेरी बेटी को बचाओ कोई। आज हम अग्नि के सामने आप सबका श्राद्ध करते हैं। आज से आप सब हमारे लिए मर चुके हो। शक्तियां हैं, दिमाग और जानकारी मेरे पास। तुझे हर वक्त मेरी जरूरत पड़ेगी। इसलिए मेरे साथ उलझने की कोशिश भी मत करना।
यहाँ तक आ चुकी है तो वो अनन्या मर ही जाए, कम से कम हमारे और शिव की प्रेम कहानी का कांटा तोड़ जाएगा। प्लीज महादेव। वो शेख चिली की औलाद, धरती पे आ जा। अगर उस अनन्या को कुछ हो गया ना तो सबसे पहले अमर तुझे मारेगा। क्यों, हमने क्या किया है? क्यों हमने क्या किया है? होलिका में आग कैसे लगाई थी? दिमाग पर काबू कर सकता है शिव, पर तुम्हारी अच्छाई और हमारे प्यार पर नहीं। हम हैं अनन्या, तुम्हारा प्यार है शिव, तुम्हारी पत्नी है हम, याद करो ना। अरे यार यार यार, अरे यार यार, अरे यार यार, अरे यार यार। ये कौन सी होशियारी का सबूत है अमर? अरे शक्तियां क्या मिल गई, दिमाग या जमीन में गाड़ आए हो? लेकिन मेरी अनन्या को अगर कुछ भी हुआ ना तो केक की तुझे जिंदा जला दूंगा मैं। अगर उस अनन्या को कुछ हो गया ना तो सबसे पहले अमर तुझे मारेगा। जरा सोचिए, आप जैसी महान खतरनाक चुड़ैल जब उससे डर गई तो अनन्या तो बेचारी छोटी मोटी बच्ची है। अपनी हद में रह, समझा? अनन्या कोई बच्ची बच्ची नहीं है, खिलाड़ी है वो। उसके दिमाग में जरूर कुछ चल रहा है। करते हैं शिव। अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है, ये बहुत बड़ी जंग जीतनी हमें। अगर अनन्या की मौत से ही शिव वापस आएगा तो फिर यही सही। बस पापा, उन्हें और होशियार और चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि इस मोड़ पर ना एक भी गलत कदम हमारी सारी मेहनत बर्बाद कर देगा, पानी पी लेगा। हाँ बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो, हम दोनों एकदम सतर्क रहेंगे। हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। बोलो।
जो चाहो कर लो, हम अपनी बेटी के साथ हैं। हम पे चाहे जो जुल्म कर लो, मगर हम अपनी बेटी पे आंच भी नहीं आने देंगे। अभी तो यहां नहीं थे, फिर अचानक कैसे आ गए? आत्महत्या करने जा रहे हैं। ठीक है, जाओ, बाद में बात करते हैं। बनारस की स्पेशल ठंडाई पीने जा रहे हैं, होली है, थोड़ा सुरूर तो बनाए। हाँ भाभी जी, वो सुरूर तो आपका बहुत जमेगा, अच्छे बता रहे हो। जा रहे। इसका ध्यान रखने लिखाता हूं। तुमने इसको हाथ कैसे लगाया? नहीं भाई, वैसे बिल्कुल भी नहीं जैसे आप सोच रहे हैं। ये बिल्कुल ठीक है, अभी उठी हुई थी, मैंने खुद देखा अपनी आंखों से। जब भाई बाबू हम आपसे कुछ कहते नहीं है तो आप अपनी हद ना भूलें। अरे बेटा है वो हमारा, जवान संभाल के। जवान क्यों संभाल बुढ़िया, वरना ऐसा है जंग लगी भी कैंची से कच्चे से काट देंगे तुम्हारी जवान। नमक हराम कहीं के, हमारे टुकड़ों पे पड़ने वाला हमें ही गालियां सुनाएगा। रुक, तुझे तो हम सबक सिखाते हैं, अभी बताती हूँ। का, बहुत हो गई नौटंकी, आज तो मरम्मत हो ही जाए। जलते जलते बची है वो भाई, बात तू कह रहे नाटक कर रही है भाई, बात का विश्वास कीजिए।
कर रही है? भाई बात का विश्वास नहीं कर रही है वो। बाबा बेटी देखे ईमानदारी का पान का क्या झूठ तो बोलते नहीं है। कल बोली है हमने छोटा पेड़ में चढ़ करके आम तोड़ करके आपके झूठ बनाते। लेकिन इससे पहले कि हम आम घर पहुंचे बिल्ली हमसे पहले बोल गई और हम किंगडम टॉमी की तरह। टॉमी टॉमी तुम्हारी वफादारी देखकर हम खुश। अभी जी अभी जी पी गई है। आज तेरी सारी एक्स्ट्रा स्मार्टनेस बाहर निकालता हूं। कोई नहीं बचा पाएगा तुझे आज। निरंजन कराने तेरी नैया पार, मिलवाऊंगा मैं तुझे उससे जिससे करता है तू बेइंतहा प्यार। Excuse me. Thank you. Alak. Excuse me. Thank you. निरंजन तुझे कैसे पता मेरे प्यार के बारे में? पप्पू बाबा को सब पता है। पप्पू बाबा से कुछ नहीं छुपा है। घाघरा पलटन, तू पप्पू बाबा को घर से निकालेगी? अरे घाघरा छोड़ के पैंट क्या पहन ली? तेरी जुबान इतनी लंबी हो गई। थाली की बैंगन, कभी चुड़ैल की सगी तो कभी इसकी सगी। तेरी इतनी औकात तू पप्पू बाबा को घर से निकालेगी? ये सब कैसे पता? कैसे? वॉच माई मैजिक। अगर काम कर गया तो ठीक है, अगर नहीं किया तो मार देना। अगर काम कर गया तो क्या पता शायद अनन्या जग जाए। ठीक है, लेकिन सिर्फ एक कोशिश।
कोई है, इन हवाओं में कुछ है जो हमारी प्रक्रिया में बाधा डाल रहा है, जो तुम दोनों को मिलने से रोक रहा है। कुछ तो है। कौन है? हम नहीं बता सकते। इस के सामने शिव, निरंजन, ठीक है, हो जाएगा। हाँ बस इसे ठीक कर दीजिए प्लीज। ये तो हमारे एक में ठीक हो जाएगी बालक। फूक्सी मेरी शक्तियां इस पे काम नहीं कर रही, शिव का प्यार भी काम नहीं कर रहा। आपकी फूक, आपकी फूक में ऐसा कौन सा जादू है? करना होगा उसके बाद वो तुम्हारी ओर खिंची चली आएगी। गगम पगम पगम चमम ममम ममम। लेकिन बाबा हमें अपनी तपस्या के लिए कुछ वक्त चाहिए और बहुत सारा सामान। आपको जो चाहिए सब मिल जाएगा, उसकी चिंता आप मत कीजिए। विश्वास करते हैं वो, शायद मुझ में कोई कमी है जो आज तक वो मुझे अपना नहीं मान पाए। नहीं शिव, तुम्हें कोई कमी नहीं है, तुम बहुत अच्छे हो। तो फिर आज तक मैं अपने भाई का प्यार क्यों नहीं जीत पाया? अच्छे लग रहे हैं। अरे बहुत अच्छे लग रहे हो। क्या सबक सिखाए उस अमर को? और जो मम्मी को लेकर जो शक पैदा किया वो तो नेक्स्ट लेवल ही था। पर औरत माँ शब्द के काबिल नहीं है बेटा। हाँ पापा, पर रिश्ता तो वही है ना। और अब आप देखिएगा कि उनकी आदर्श बेटी क्या पैंट बजाती है उस चुड़ैल की। अलग निरंजन बर्फ की सिल्ली पर लेटना होगा तुम्हें। महादेव को खुश करने के लिए कैलाश पर्वत जैसा माहौल बनाना होगा यहां पर, तभी महादेव प्रसन्न होंगे। और महादेव प्रसन्न होंगे तो तुम्हें तुम्हारा प्यार मिलेगा।